दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। देखिए 24 वाली प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो रही है। 2200 वाले के विषय में अब हम लोग तैयार हो रहे हैं। हमारी टीम जो है टेलीग्राम पे क्विज के माध्यम से करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज लूसेंट क्राउन और घटनाचक्र और डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रही है। अब हम प्रश्नों का विश्लेषण भी करेंगे जैसा कि मैंने पिछली बार किया था। तो आज मैं आपको सबसे पहले साइंस के प्रश्नों का विश्लेषण दूंगा। लगभग 2019 में जो 20 दिसंबर को परीक्षा हुई थी प्रथम पाली में, उसमें 16 प्रश्न आए थे साइंस के, तो मैंने उन सबको निकाल लिया और मैंने लिख लिया। पिछले बार भी हमने करा था कि एक बुक से कितने क्वेश्चन आए, तो इस बार भी हमारे पास क्राउन बुक है। मैं क्राउन बुक से उसके पेज वाइज कितने किस पेज से जो प्रश्न आए हैं मैंने निकाल लिया है। मैं ये बेसिकली इसलिए पिछली बार भी मैंने इसका पिछली बार भी उसका एक्सप्लेनेशन किया था ताकि आप लोग बेसिकली फोकस करें एक बुक पे। हमने शुरू से क्राउन या लूसेंट एक बुक पे फोकस कराया। मैं क्राउन से उस क्वेश्चंस को डिकोड करूंगा। साइंस का बेसिकली थोड़े से टफ होते हैं। 16 प्रश्नों में से कितने प्रश्न डायरेक्ट क्राउन से आए हैं, आपको दो बुक जनरली फॉलो करने हैं, एक क्राउन और दूसरा समय मिलता है तो घटनाचक्र, क्योंकि इनको साइंस को डिकोड करते हैं। मैं कुछ प्रश्न को मैं घटनाचक्र से भी देख रहा था तो सारे के सारे प्रश्न लगभग एक दो छोड़ के घटनाचक्र से भी आए थे और साइंस में क्राउन का भी वही हाल है। तो दोनों में से बेहतर जो लगता है आपको आप कर सकते हैं। 2021 वाला जो घटनाचक्र है थोड़ा सा बल्की हो गया। सब्जेक्ट वाइज घटनाचक्र जो PCS के लिए आती है आप उसको बाय कर सकते हैं और 3 घटनाचक्र तो एटलीस्ट आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और साइंस का। तो मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल के रिकॉर्डर पे, कंप्यूटर तो है नहीं, दिखाऊंगा कि कौन से प्रश्न और पेज वाइज वहाँ पे लिखा हुआ, फिर उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। साइंस का कर देंगे और उसके बाद फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का कर देंगे इन चारों पे। और करंट तो हम लोग खुद अपने टेलीग्राम चैनल पे जो करा रहे हैं, एडिटोरियल SPD वगैरह कंप्लीट हो गया और इतना रटवा दे रहे हैं कि 30 में से 25 से प्लस आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। तो यदि आप उससे जुड़ना चाहेंगे, 49 रुपये है उसका टोकन चार्ज, तो आप जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आपको एडुटेरिया और स्पीडी दोनों में पकड़ बनानी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 100 प्रश्नों में से 30 प्रश्न लगभग 30 प्रश्नों के आसपास करंट अफेयर्स थे जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है और एग्ज़ाम में रिजल्ट गिराने के लिए काफ़ी है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसके प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्राउन के पेज नंबर 382 में दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ से मैं घटनाचक्र लूसेंट सब में दिया हुआ है बट मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ, है ना। ये प्रश्न संख्या 2 है कि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन न्यूनतम किस में होता है? तो ये क्राउन के पेज नंबर 364 में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कॉमन प्रश्न है ना, तो और ये सारे बुक्स में दिया हुआ है। देखिए इजी प्रश्न है और लूसेंट क्राउन जो एक बार मतलब लग के रट जाएंगे ना तो 70-75 उससे तो आने ही है, बाकी और बातें मैं आपको बताता हूँ। अगला प्रश्न था एक ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई क्या होता है? तो यह प्रश्न जो है ओम लॉ के से सीधे सीधे पूछा गया है। क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहेगी। पी इज इक्वल टू VI के बारे में कहा गया, जहाँ V है विभवांतर और I है विद्युत धारा और P ओम लॉ को डिकोड करता है ओम, तो उससे रिलेटेड प्रश्न था, है ना। और देखिए क्राउन के 392 पे है, आसान प्रश्न है, मैंने इसको यहाँ पे कर लिया है। क्राउन में भी है और बाकी पुस्तकों में भी है प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न जो था, मानव शरीर के कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को लेके जाती है? तो ये फुसफुसीय धमनी के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे स्पेशल टॉपिक दे दिया गया है क्राउन में आर्टरीज और वीन्स यानी धमनी और सिरा के बारे में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसको टिक किया हुआ है। तो ये प्रश्न भी क्राउन से डायरेक्ट उठाया गया है। अगला प्रश्न दिया हुआ था ऊर्ध्वपातन के बारे में कि वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है या ठोस वाष्प में सीधे परिवर्तित होता है, तो उसको सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहाँ पे मैंने इसको टिक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि क्राउन के पेज नंबर 412 में इसको दिया गया और ये प्रश्न वहाँ से उठाया गया है, केमिस्ट्री का है। अगला एक प्रश्न था फूल के प्रजनन अंग के बारे में, तो यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ है इससे आप खोज सकते हैं कि फूल के प्रजनन अंग, उसके निषेचन के बारे में भी थोड़ा सा इस पेज पे दिया हुआ है, पर इसका पता इससे ही चल जाएगा। आप इसको अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं। क्राउन के पेज नंबर 479 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ था बिजली
कि मोटर के बारे में जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलती है, तो आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देख क्राउन लूसेंट में भी क्लियरली दिया हुआ, बट इस वाले में बिजली का पंखे के फॉर्म में दिया हुआ, यानी कोई भी यंत्र जिसमें मोटर लगा होता है, विद्युत मोटर क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा से बदलता है। तो आप इसे क्राउन से पढ़ के भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज लूसेंट में भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो आप इसका आंसर यहां से निकाल सकते हैं। 367 पेज नंबर क्राउन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न था मानव वृद्धि हार्मोन के बारे में, तो हार्मोन एंडोक्राइन स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उसके बारे में क्राउन में क्लियरली दिया हुआ है, पेज नंबर 5। देखिए यहाँ पे सारे मैंने प्रश्न लिख रखे हैं, फिर मैं आपको पेज वाइज खोज के बता रहा हूँ। 513 नंबर पेज पे दिया हुआ है क्राउन के मानव वृद्धि हार्मोन के बारे में, तो आप इसको बहुत ढंग से पढ़िए क्योंकि एग्जाम में इससे हमेशा प्रश्न उठाए जाते हैं, है ना। देखिए अगला प्रश्न था इन दोनों को समीकरण को बैलेंस करने वाला था, तो इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करना था, यहाँ 6s था, तो उसमें कौन सा ऑप्शन, देखिए इधर इसके 2 एटम्स हैं, इधर इसके पूरे में 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 और 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यानी मतलब इसका भी 6 और इसका भी 6, तो आप इसे निकाल सकते हैं, आसान है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। और केमिस्ट्री में एग्जैक्टली तो किसी ऐसे दिया नहीं है, एनसीईआरटी में होंगे ऐसे प्रश्न, लेकिन आप इसको थोड़ा दिमाग लगाएगा, कोई भी बुक पढ़िएगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। अगला है निम्न में कौन मीन वर्ग से संबंधित है, तो क्राउन के पेज नंबर 460 में मीन वर्ग में क्या क्या आते हैं उस पर क्लियरली दिया हो, तो आप इसको वहां से देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है प्लूटो को किस वर्ष ग्रह से हटाया गया, तो ये ज्योग्राफी का भी प्रश्न है, फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है कभी कभार। 2006 में बहुत क्लियरली लिखा हुआ लूसेंट क्राउन के, किसी भी जब ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ देख हो गया। ये इस तरीके से 16 प्रश्न साइंस से आए थे, है ना। एक जो क्वेश्चन क्लियरली नहीं मिला ये वाला, आहार नली की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, ये नहीं मिल पाया क्राउन में। ये घटना चक्र में आपको मिलेगा, लूसेंट में भी मिल सकता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु कितने बंद से जो इस ए भी वाला क्वेश्चन, ये बहुत आसान है प्रश्न, लेकिन एक क्लियरली नहीं मिला, घटना चक्र में है, क्राउन में लूसेंट में भी दिया हुआ है, ठीक है। और एक शॉर्ट सर्किट वाला क्वेश्चन था कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, 393 पेज पे क्राउन के मिलेगा क्लियरली, लेकिन आपने इससे पहले थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि शॉर्ट सर्किट में जब विद्युत धारा बढ़ जाता है तो जो फ्यूज वायर है वो गल जाता है, तो उसमें परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, है ना। तो इस तरीके से 15-16 क्वेश्चंस में से लगभग 14 क्वेश्चन मान लीजिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्राउन से ही आए हैं, तो यदि आप किसी ने पढ़ा नहीं है जो पूछ रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बुक्स में उनको नहीं वंडरिंग करना है, क्राउन उठाइए, लूसेंट उठाइए, और घटना चक्र भी आप यूज कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। देखिए घटना चक्र के बुक से भी मैंने मंगवाया है, और इससे भी मैंने प्रश्न खोजे थे सारे के, थोड़ा सा पहले की तुलना में मोटा जरूर कर दिया गया, इसमें प्रश्न जुड़ते गए हैं, लेकिन यदि आप इसको पढ़ेंगे टोटल 573 मतलब 600 के आसपास पेज है, लेकिन एक दिन में आप इसका 100 पेज आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए इसका ये पेज देख सकते हैं, यदि आपने क्राउन को ढंग से पढ़ लिया है तो आप क्राउन या लूसेंट को, तो आप इसको घटना चक्र को पढ़िए। प्रश्न जो 16-17 आए हैं उसमें से एक आध प्रश्न छूट सकता है जो कि अप्लाइड होता है, जिसको आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सारे के सारे प्रश्न इन दोनों चीज बुक से कवर हो जाएंगे। और ये जो पोर्शन है क्रूशियल पोर्शन है साइंस वाला करंट के साथ, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी जनरली लोग पढ़ लेते हैं, साइंस मेरी भी थोड़ी सी कमज़ोर है, बिहार बीपीएससी के एग्जाम में जो कुछ प्रश्न मेरे गलत होते थे, तो रिजल्ट न होने का कारण वो साइंस ही होता था, काफ़ी लोगों का कम होता है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, और बेसिकली इसको पढ़ना घटना चक्र और क्राउन और घटना चक्र को पढ़ना जरूरी है यदि आपके पास समय है, और अभी भी एग्जाम का कोई टेन्योर फिक्स नहीं हो रहा है, शायद चुनाव वगैरह की वजह से क्या होगा, लेकिन जो शेड्यूल्ड टाइम है और भी जो एग्जाम है उसके लिए आप इसको जरूर बाय कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपके लिए 16 प्रश्नों को डिकोड किया गया है साइंस का, जल्द ही आपको इसके बाद हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का भी डिकोड करके फर्स्ट पाली सेकंड पाली में मैं प्रश्नों को बता दूंगा। और जो अभी तक प्रश्न देखने से पता चला और जो हम देखते रहते उसमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ पता चला है कि जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है, 4 सब्जेक्ट पढ़ी है मैंने, 4 सब्जेक्ट देखा है, 4 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो 90-92 प्रश्न आप कवर कर पाएंगे, बाकी जो विविध है आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते उसको कवर कर सकते हैं, मैथ वगैरह आता ही होगा, तो सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना हो साइंस पे करना, उसके साथ सॉरी करंट अफेयर्स पे करना है, सेकेंड नंबर पे साइंस और तीसरे हिस्ट्री पे करना है, तो ऐसे आपका कवर होगा। तो इस वीडियो में हमने साइंस को दिखाया है, घटना चक्र और क्राउन दोनों यदि आपको मिला के पढ़ते हैं तो 100% 99
परसेंटेज है कि यदि आपने ठीक से पढ़ लिया है तो प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होंगे। तो यदि आपके पास समय है तो घटना चक्र की ओर भी आप बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ क्राउन या लूसेंट में से एक बुक के लाइन बाई लाइन जो 25-30 पेज है उसको पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया साइंस का डिकोडिंग। अब हिस्ट्री का करेंगे, थोड़ा सा समय कम मिल रहा है, यहाँ पर ट्रेनिंग की लास्ट फेज में गाड़ी चल रही है, तो जैसे मौका मिलता है हिस्ट्री का भी करते हैं, है ना। चाहे